अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपको मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं बच्चों को अलग करूँ या नहीं, तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं बच्चों को अलग कर लूँ। ये देखिए, ये जोड़ा है अभी हम दोबारा मटकी में बैठने शुरू हो गए, अंडे देना शुरू कर दिए। जो बच्चे सेल्फ हो चुके हैं उन्हें मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ये बच्चे माशा सेल्फ हो चुके हैं, ये देखें, ये अब दाना पानी भी खुद खा रहे हैं। और ये एक ने तो चूँच मिलाना शुरू कर दिया, उम्मीद है कि ये जल्दी पेयर बना लेंगे दूसरा भी। अच्छा, ग्रे और यह ग्रीन वाले आपस में पेयर बना रहे हैं। मेरी तो कोशिश थी कि यह ग्रे और ग्रे आपस में बनाएं और येलो ये जो ग्रीन और ग्रीन आपस में पेयर बनाएं, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन इनकी मर्ज़ी थी, ग्रे और ग्रीन ने आपस में जोड़ा बना दिया। चलो खैर, अच्छी बात है, एक यूनिक सी जो है ना पेयरिंग निकलेगी, एक यूनिक सा पेयर आएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, अगर नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आई है। तो आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक में किस टॉपिक में जो है ना वीडियो बनाऊँ। इसको फ़िलहाल मैंने इस टोकरी में बांध दिया, डबल टोकरी लगा के हर तरफ से बांध दिया। ये देख सकते हैं वहाँ पर मैंने हर तरफ से इसको बंद कर दिया। वो पीछे जो आप देख रहे हैं ना सुराख नज़र आ रहा है, वहाँ पे मैंने गत्ता लगा दिया, खाना पानी दाना पानी भी इसमें, ये देखें ये दाना और ये पानी मैंने डाल दिया ताकि इन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। बाकी फ़िलहाल कुछ एक हफ़्ते बाद पिंजरे का मैंने ऑर्डर दिया, एक हफ़्ते बाद पिंजरा आ जाएगा। सेकेंड हैंड ही लिया तो हो सकता है मैं नया ले लेता, तो मैंने सेकेंड हैंड लिया, तो एक हफ़्ते बाद इंशाल्लाह पिंजरा जो है आ जाएगा। तो फिर मैंने नए वाले पिंजरे में शिफ्ट कर दूँगा जो इस तरह का होगा, जैसे इस तरह का पिंजरा इस तरह का होगा, तो फिर मैं इसे जो है ना इन्हें उसमें शिफ्ट कर दूंगा। दोस्तों जब बच्चे तकरीबन महीने 35-40 दिन के हो जाते हैं, जब वो खुद दाना पानी में खाना लगते हैं, सेल्फ हो जाते हैं, तो आप भी जो है ना अपने परिंदों को अलग कर दीजिए करें। दोस्तों आप देख सकते हैं तोता जो है ना वो तोती को खिला रहा है ऐसे उल्टा होकर, ग्रे और ग्रीन ही साइड पे। ये सबसे बड़ा वाला बच्चा है जो पहले क्लच में निकला था, बाकी ये जो दूसरे क्लच में पाँच छः अंडे दिए थे, पांच बच्चे बच्चे थे, दो तो मार गए थे बहुत छोटे ही, और ये तीन दूसरे वाले क्लच में से, ये पहले क्लच में वाला बच्चा है आप जो देख रहे हैं, माशाल्लाह बोल दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।